Hello everyone, myself Mrs. Rupa Kaushik. I am part of Suraj Group of Education. My subject SST class 2nd, lesson number 5. My topic houses we live in. आज जो चैप्टर हम आपको रीड करवाने जा रहे हैं वो हाउसेस के बारे में है कि हाउसेस कितने टाइप्स की होती हैं। पहले के टाइम में मनुष्य इधर से उधर पटकता था, उसके पास अपना घर नहीं था, परंतु अब मनुष्य ने अपना घर बनाना सीख लिया है। अब वो जहाँ भी जाता है, जहाँ भी रुकता था, जहाँ भी जाया करता था मनुष्य, वहाँ अपना घर बना लिया करता था। बट अब जैसे टाइम चेंज हुआ, मनुष्य में डेवलपमेंट आ गई, अब वो अपने घर बनाने लग गया। अब मनुष्य अपने घर, अब इसी चैप्टर में हमें इसी लेसन के बारे में इस लेसन में बताया गया कि घर कितने टाइप्स के होते हैं। घर मैनी कई अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पोर्टेबल हाउसेज मीन्स टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस क्या होते हैं? जो घर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। इस घर के अंदर क्या होता है? टेंट और हाउस बोट। टेंट और हाउस बोट, टेंट हमें अधिकतर आर्मी मैन यूज़ करते हैं और हाउस बोट जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में होती है। नेक्स्ट नंबर 2 कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउसेस होता है जो आसानी से टूट जाते हैं, हल्की फुल्की बारिश और आंधी तूफान में भी ये घर टूट जाते हैं। और ये घर अधिकतर कहाँ होते हैं? ये हाउस अधिकतर हमारे विलेज में होते हैं। और ये घर कौन से होते हैं? हट और लॉग हट। हट और लॉग हट इसी प्रकार होते हैं। नंबर 3 पे पक्का हाउस। पक्का हाउस होते हैं जो मजबूत होते हैं, ये ब्रिक्स और सीमेंट के बने होते हैं, ये आसानी से नहीं टूटते, ये आसानी से नहीं टूटते। हल्की फुल्की बारिश का, तेज तूफान आदि का भी इस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और एंड नेक्स्ट इग्लूज। इग्लूज होते हैं जो घर बर्फ़ से बने होते हैं, ये घर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में होते हैं, जहाँ बहुत अधिकतर बारिश अधिक बर्फ़ पड़ती है, ये हाउस हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। इग्लूज आर हाउसेस मेड ऑफ स्नो, ये घर बर्फ से बने होते हैं। इसी प्रकार इन घरों को बनाने में हमारी हेल्प कौन कौन से पर्सन करते हैं? पीपल हु हेल्प टू मेक ए हाउस, ये घर कौन कौन बनाते हैं? ये जो हमने घर बनाए उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? इसमें हमारी हेल्प करते हैं बेटा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट होते हैं जो मकान का नक्शा बनाते हैं। उसी प्रकार नंबर 2 पर होते हैं मेसन। क्या होते हैं? जो हमारे मकान को बनाते हैं, जो चिनाई का काम करते हैं, वो होते हैं मेसन। और नंबर 3 पे होते हैं कारपेंटर। मकान कंप्लीट होने के बाद उसमें विंडो और डोर्स और फर्नीचर का जो काम करते हैं उसको हम कारपेंटर कहते हैं। नंबर 4 पे होते हैं नेक्स्ट प्लम्बर। प्लम्बर का क्या काम होता है? मकान फिटिंग और मकान बनने के बाद जब उसके अंदर वाटर सप्लाई करने के लिए वाटर लाइन का काम होता है, तो वो काम किसका होता है? हमारे प्लम्बर का होता है। इसी प्रकार नंबर 6 पे होता है पेंटर। नंबर 5 पे होता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन कौन होते हैं? जो हमारे बिजली का काम करते हैं, जो मकान की बिजली फिटिंग करते हैं। नेक्स्ट होता है पेंटर। पेंटर का क्या काम होता है? वो मकान को कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर कलरिंग का, पेंटिंग का काम करते हैं, पेंट का काम करते हैं, मींस मकान को डेकोरेट करते हैं। तो आज जो चैप्टर था, आई होप मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक्स, हैव ए नाइस डे।